राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत। हम प्रोफेसर संध्या जी, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, मध्य प्रदेश। आज हम चर्चा करेंगे अभिसारी एवं अपसारी चिंतन का विकास। इस पर बात करने से पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि चिंतन है क्या। जैसा हम सभी को पता है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, और जब किसी व्यक्ति बालक के सामने कोई समस्या आती है तो उसकी जो चिंतन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया, लेकिन सारी परिभाषाओं का निष्कर्ष निकालने पर प्रतीत हुआ कि यह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो कि हमारे ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ी हुई है, और तब तक ये चिंतन की प्रक्रिया चलती है जब तक कि हम उस चीज़ का निष्कर्ष ना निकालें। अर्थात जो भी मानसिक समस्या हमारे सामने है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान प्रवाह तब तक करते रहते हैं जब तक कि हम उस समस्या का समाधान ना निकालें। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जो हमारा चिंतन है वो कई प्रकार का हो सकता है, और जिसमें चिंतन के दो प्रकार अभिसारी और अपसारी चिंतन हो सकते हैं। अभिसारी चिंतन, जिसको कि हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानते हैं, जबकि अपसारी चिंतन, जिसको कि हम डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानते हैं। ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, आशय क्या है? अपसारी चिंतन से आशय क्या है? जैसा कि आपको इस चित्र में महसूस हो रहा होगा कि समस्या एक है, लेकिन हम उसके कई सारे समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चित्र में बने हुए जो बल्ब हैं वो इस ओर इंगित कर रहे हैं कि उस समस्या को हमने कई तरीके से सोचना शुरू किया है, यानी कि हमने कई विकल्पों का उसमें सहारा लिया है। और अपसारी चिंतन को हम इन शब्दों के माध्यम से भी जान सकते हैं कि अपसारी चिंतन में व्यक्ति और बालक भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है और संभावित उत्तरों के बारे में सोचता है, और ऐसा करने के साथ साथ वो उसमें कुछ नई चीज़ों को भी जोड़ने का प्रयास करता है। जैसा कि हमने ये पहली पिक्चर में देखा कि समस्या एक है और उसको हमने कई दिशाओं में उसका हल ढूंढने का प्रयास किया है, और इसी जो ये स्लाइड शो कर रही है आपकी कि हम अलग अलग संभावित उत्तरों के हिसाब से समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं, और साथ में हम उसमें कुछ नई चीज़ों को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इसे हम अपसारी चिंतन के नाम से जान रहे हैं। कैसे जो हमारा अभिसारी चिंतन जो है वो अपसारी चिंतन से अंतर रखता है? अगर हम दोनों के बीच में अंतर करते हैं तो हम पाते हैं कि जहाँ पर जो हमारा अभिसारी चिंतन है वो लॉजिकल है, यानी कि वो तर्कपूर्ण है, जबकि जो हमारा अपसारी चिंतन है वो इंट्यूटिव है। इसी प्रकार से जो हमारा अभिसारी चिंतन है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, जबकि जो हमारा अपसारी चिंतन है वो हमारा व्यक्तिनिष्ठ तरीके का है। जो हमारा अभिसारी चिंतन है उसमें हमारी बौद्धिक क्रियाएं आती हैं, जबकि जो हमारा अपसारी चिंतन है उसमें हमारी सांवेगिक क्रियाएं भी आती हैं। हमारा अभिसारी जो चिंतन है वो रियलिस्टिक है, यानी कि वो मौलिक है, जबकि ये कल्पनापूर्ण है हमारा अपसारी चिंतन। इसी तरीके से जो हमारा अभिसारी चिंतन है उसमें एक तरीके से वो योजनाबद्ध है, जबकि यहाँ पर हम त्वरित होकर किसी भी चीज़ का निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम इम्पल्सिव या संवेगात्मक रूप में जानने का प्रयास करते हैं। जो हमारा अभिसारी चिंतन है वो विभेदीकृत है एक तरह से, जबकि जो हमारा अपसारी चिंतन है वो होलिस्टिक है, वो उसको हम एक बड़े रूप में देख सकते हैं। जो हमारा अपसारी चिंतन है वो संरचनात्मक है, और जो हमारा अपसारी चिंतन है उसमें बहुत सारे विचार हैं जो एक तरह से फ्री हैं, स्वतंत्र है व्यक्ति किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए। अपसारी चिंतन को हम मात्रात्मक रूप में देख सकते हैं, जबकि हम अपसारी चिंतन को गुणात्मक रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये पाया कि जो हमारा अभिसारी चिंतन है और जो अपसारी चिंतन है वो एक दूसरे के साथ में अंतर रखता है।
और ये अंतर जो है उसके तर्कपूर्ण हिसाब से भी हो सकते हैं, उसकी वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता के हिसाब से हो सकते हैं। उसमें जो हमारा अभिसारी चिंतन है, जिसमें कहा बताया गया आपको कि इसमें बौद्धिक क्रियाएं आ रही हैं, जबकि जो हमारा अपसारिक चिंतन है उसमें हमारी जो क्रियाएं थी वो एक तरह से सांवेगिक क्रियाएं थीं। उस जो हमारा अपसारी चिंतन था उसमें बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है, मात्रात्मक की जगह उसे गुणात्मक रूप में देखा गया अपसारी चिंतन को। अब हम ये कोशिश करें कि कैसे हम बालक के अंदर अपसारी चिंतन को विकसित कर सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने बात की कि जो अपसारी चिंतन है उसमें बालक कई तरीके से समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके पास वो कई विकल्पों की तरफ आगे बढ़ रहा है तो ऐसा करते समय बालक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे वो समस्या का जो समाधान है वो ओपन एंडेड के फॉर्म के रूप में है। इसका मतलब ये है कि उसे समस्या को सुलझाना है लेकिन कई दिशाओं में आगे बढ़कर, और इसके लिए वो कई सारी बौद्धिक क्रियाएं कर रहा है और जिसमें कि मेंटल फिक्सेशन का काम चल रहा है, और साथ साथ उसके अंदर आलोचनात्मक चिंतन भी चल रहा है कि समस्या का ये पक्ष इस प्रकार का है जबकि समस्या का दूसरा पक्ष ये है। ऐसा करते करते साथ में वो क्या कर रहा है कि उसमें जो एक मौलिकता का गुण है, जो लचकता का गुण है, उसका भी प्रवाह चल रहा है। इस प्रकार हम ये समझ पा रहे हैं कि जब अपसारी चिंतन बालक के अंदर चलता है या अपसारी चिंतन की प्रक्रिया बालक के अंदर चलती है तो वो कई दिशाओं में आगे बढ़ता है। जैसे वो समस्या का समाधान पूरे स्वतंत्र रूप से खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है, और ऐसा करने में उसमें कई सारी उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका फिक्सेशन होता है, और जिसमें कि आलोचनात्मक चिंतन भी चलता है, सही और गलत दोनों को साथ में लेकर चल रहा है, और मौलिकता और लचकता का गुण भी उसके अंदर चल रहा है। बच्चे का दिमाग है, विद्यार्थी कई दिशाओं में अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा करता है बालक या बालक के अंदर ऐसा होता है तो हम ये समझ सकते हैं कि बालक के अंदर अपसारी चिंतन की जो प्रक्रिया है वो विकसित होने लगी है। इस अपसारी चिंतन हमारे अंदर अगर विकसित हो रहा है, बालक के अंदर विकसित हो रहा है, तो इसकी कुछ टेक्निक है कि कैसे हम बालक के अंदर जो है वो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जैसे कि हम अपसारी चिंतन के नाम से जान रहे हैं, उसको विकसित कर सकें। ऐसा ही कुछ आप स्लाइड में यहाँ पर देख रहे हो कि कुछ टेक्निक्स के नाम आपको दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ इसमें कि बहुत सारे विचार हैं जिनको कि हमने इकट्ठा किया हुआ है। दूसरी जो टेक्निक है उसका नाम है स्कैम्पर, और तीसरी टेक्निक है आपकी सिक्स थिंकिंग हेड्स। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग की, कि जहाँ पर क्या है बहुत सारे विचार हैं, और इसको 1953 में ये कॉन्सेप्ट आया था, और 1953 में जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो इसको एक बुक के अंदर रखा गया था, जिसको कि हम अप्लाइड इमेजिनेशन नाम की जो बुक थी उसके अंदर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो टेक्निक है उसके बारे में बताया गया कि भाई सभी लोग मिलकर अपने विचारों का मंथन कर रहे हैं, और जो विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं, यानी कि झंझावत सा स्थिति बन गई है, और झंझावत जैसे कि वो अब उस बच्चे के दिमाग को झंझोड़ रही है कि हर तरीके से वो जो है वो उस समस्या का समाधान करना चाह रहा है बहुत सारे विचारों को लेकर। और ऐसा ही नहीं है कि वो सारे विचार उसके अंदर ही आ रहे हैं, बल्कि जो लोगों का समूह है, जो दूसरे बालक हैं, उनके साथ मिलकर वो उसमें कुछ नया जोड़ने की भी कोशिश कर रहा है कि भाई कौन कौन से विचार उस समस्या के समाधान के लिए निकल रहे हैं। तो ये तो था आपका मानसिक झंझावत का तरीका कि कैसे विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं और हम अपसारी चिंतन कर रहे हैं। एक और इसकी जो तकनीकी थी उसे हम सिक्स थिंकिंग हेड्स के नाम से जान रहे हैं, और ये क्या है, ये क्या इसमें क्या होता है कि जो भी बालक जो मानसिक प्रक्रिया उसमें चल रही है वो उत्पादक होती है, वो केंद्रित होती है, और वो उसमें मस्तिष्क इन्वॉल्व होता है, और इसको हम
जो सिक्स थिंकिंग हैट्स हैं इनको हम एक तरीके से टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसमें कई जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं सिक्स थिंकिंग हैट्स के अंदर। और ऐसा ही स्कैम्पर है। स्कैम्पर में क्या है, स्कैम्पर जो है एक टेक्निक है एक तरीके से, कि जिसमें कि एक क्रिएटिविटी आती है बच्चे के अंदर। क्रिएटिविटी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी इज़ अ पार्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि अचानक हमारे अंदर कुछ नए नए जो है वो आइडियाज़ आते हैं, जिसमें कि होता ये है कि जो बच्चा है वो स्पार्किंग होती है आइडियाज़ की, यानी कि विचार जो है एकदम से जैसे तारे टिमटिमाते हैं उनकी तरीके से विचार दिमाग में आते हैं, और विचारों को वो इकट्ठा करते हैं अपनी मानसिक प्रक्रिया को एक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए। जो ये स्कैम्पर है, स्कैम्पर में क्या है कि इसमें भी कई सारी चीज़ें बच्चा जो है अपने मानसिक रूप से कर रहा होता है, कहीं पर वो अडेप्ट करता है यानी कि अपने आप को वो समायोजित करता है वातावरण के साथ में, कहीं वो चीज़ों को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई यानी कि उसमें कुछ वो जो है वो परिवर्तन करता है, और कहीं वो चीज़ों को छोटा करता है, और कहीं पर वो क्या करता है कि जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को दूसरे उपयोग के साथ में लाता है, कहीं पर वो चीज़ों को एलिमिनेट यानी कि उसमें अलगाव लाता है, और जो भी मानसिक प्रक्रियाएं उसने जो कर रहा है बालक तो उसमें वो बार बार उसको पुनः व्यवस्थित भी करता है, और कई विकल्पों को भी सोचता है और कई विकल्पों को वो कंबाइन करता है यानी कि वो जोड़ता है। यानी कि स्कैम्पर में जो स्कैम्पर जो ये प्रोसेस थी डाइवर्जेंट थिंकिंग की, उसमें बालक की शुरुआत हुई समायोजन के साथ में, और जो उसका एक तरीके से निष्कर्ष पे पहुंचा वो चीज़ों को जोड़ने के साथ में, कंबाइन करने के साथ में। तो ये स्कैम्पर में क्या हुआ कि एक स्पार्किंग ऑफ क्रिएटिविटी है, और स्पार्किंग ऑफ क्रिएटिविटी जिसमें कि वो समायोजित कर रहा है, उसमें कुछ जो है वो चेंजेस कर रहा है, उसमें जो है कुछ दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, चीज़ों को अलग भी कर रहा है, पुनः व्यवस्थित भी कर रहा है, एंड उसके विकल्पों को भी ले रहा है और साथ में उनको एक तरीके से जोड़ रहा है। तो ऐसा जब बच्चे के अंदर हो रहा है, यानी कि स्कैम्पर हो रहा है, इसका मतलब बच्चे के अंदर जो अपसारी चिंतन है वो चल रहा है। सिक्स थिंकिंग हैट्स को हम लोग दोबारा से एक बार देख सकते हैं कि भाई हमने क्या किया कि इसमें हैट्स नाम दे दिया, सिक्स थिंकिंग हैट्स, कि छह तरीकों से बच्चे ने कैसे सोचा, कैसे मानसिक प्रक्रिया की, और जो सिक्स थिंकिंग हैट्स का जो आइडिया था वो दिया था एडवर्ड डी बोनो साहब ने, और उन्होंने बताया कि जो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो अपसारी चिंतन है, उसको हम सिक्स थिंकिंग जो विचारात्मक एक तरीके से हैट हैं हमारी उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे पहला काम क्या किया, जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं या बालक के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन हो रहा है, तो डाइवर्जन बहुत है, यानी कि कंक्लूज़न एक जगह है यहाँ पर, और कंक्लूज़न से बहुत सारी चीज़ें पहले एक हमारे पास नियम था, नियम से हम उदाहरणों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या किया है इसमें कि जो सिक्स थिंकिंग हैट्स हैं आपकी, जैसे पहला आपका इन्फॉर्मेशन, कि हमने उस चीज़ के बारे में एक तरीके से जो है वो जानकारी प्राप्त की, और इसके बाद में हमारे कहीं ना कहीं उसमें जो हमारी एक तरीके से जो संवेग थे वो भी उसके अंदर जुड़ जाते हैं। संवेगों के साथ साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम चलता है कि हम उसके इस आस्पेक्ट पर भी ध्यान देते हैं, इस पक्ष पर भी ध्यान देते हैं कि हमें उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, एंड जो जजमेंट है उसका, जो एक तरीके से जो उसका उसके बारे में जो निर्णय है, हम उस तक भी पहुँचते हैं, और बीच में कहीं ना कहीं हमारे अंदर सृजनात्मकता भी पैदा होती है, और साथ में हम थिंकिंग यानी कि हम सोच रहे हैं फिर उसके ऊपर भी कुछ और सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो छह पक्ष हैं वो एक साथ चलते हैं, जिसमें कि हमने जानकारी को लिया, जिसमें कि हमारे संवेग शामिल हुए, जिसमें कि हमने उसके लाभ भी देखे, उसमें हमने अपनी सृजनशीलता का गुण भी अपनाया, और साथ में हमने सोचा और बहुत सोचा, और उसके आधार पर हमने उसका जजमेंट किया यानी कि हमने उसका एक तरीके से निर्णय लिया। तो कई सारी मानसिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न दिशाओं में अपना अपना काम करती हैं, और ये अगर मानसिक प्रक्रियाएं और जो तरीका है हमारा चीज़ों को अलग अलग दिशाओं में सोचने का, उससे हमारी समस्या का
एक तरह से मानसिक प्रक्रिया जो है वो चल रही है और मानसिक समस्या का समाधान हो रहा है। अगर बच्चा बालक जो है वो छह दिशाओं में अलग अलग सोच रहा है, जिसमें कि सृजनात्मकता साथ चल रही है, जिसमें कि चिंतन और अत्यधिक चिंतन चल रहा है, जिसमें कि और भी चीज़ें साथ में शामिल होकर काम कर रही हैं, संवेग भी बच्चे के साथ में चल रहे हैं, तो इससे तात्पर्य क्या निकला कि बच्चे के अंदर अपसारी चिंतन का विकास हो रहा है। मान लीजिए कि हमें ये देखना है कि क्या जो गणित विषय है वो साइंस में भी लाभकारी है या नहीं है। एंड ये बहुत अच्छा इसका उदाहरण हो सकता है अपसारी चिंतन का, कि क्या गणित का उपयोग साइंस में भी हो सकता है। तो अगर हम ये देखें कि गणित का उपयोग साइंस में विज्ञान में हुआ होता है या नहीं, तो हमें पता लगता है कि गणित भी जो है वो कई प्रकार से जो है वो साइंस में विज्ञान में मदद करता है। अब इसके लिए जो एक एक्टिविटी यहाँ पर सामने है कि हमने मान लीजिए हम यही बालक को यही चेक कराना चाहते हैं, तो क्या करेगा कि वो कई सारी चीज़ों को इकट्ठा करेगा, जिसमें कि उसका जो डाटाज हैं एंड जो उसका जो ग्राफ हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठा करेगा। इसके बाद में कुछ बच्चा जो है वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या इंटरनेट से भी कुछ जो है वो चीज़ों को लेने की कोशिश करेगा, और फिर वो देखने की कोशिश करेगा कि क्या जो गणित था उसका उपयोग कुछ दूसरे क्षेत्रों में भी है या नहीं है। और इतना कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सिक्स थिंकिंग हेड्स भी काम कर रही हैं उसके अंदर, स्कैम्पर भी काम कर रहा है उसके अंदर, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग भी चल रही है, और लास्ट में उसको ये पता लगेगा कि हाँ गणित जो है वो अन्य विषयों में भी उपयोग किए जाने वाली एक उपयोग किया जाने वाला एक विषय है। तो ये था अपसारी चिंतन का हम विकास कर सकते हैं बच्चे के अंदर, या अपसारी चिंतन इस तरीके से जो है बच्चे के अंदर जो है वो विकसित हो सकता है। अब बात हम थोड़ी सी कर सकते हैं कि जो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसको भी हम इसी तरीके से विभिन्न चीज़ों के माध्यम से बच्चों के अंदर विकसित कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बात की अपसारी, यानी कि उसमें जो विचार थे वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। अब जो ये अभिसारी चिंतन है उसमें चीज़ें आ रही हैं बच्चे के पास में, यानी कि बच्चे के पास में उदाहरण बहुत सारे हैं और उन उदाहरणों का इस्तेमाल करके, उन विकल्पों का इस्तेमाल करके बच्चा जो है वो एक निर्णय पर पहुंचेगा। मान लीजिए कि बच्चे को जो है वो ये बताना है कि घर के निर्माण में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, या हमारे पास घर का कॉन्सेप्ट है, घर का प्रत्यय है हमारे पास में, और हमें उससे कहना है कि आप जो है वो एक घर को बनाइए। तो वो क्या करेगा, जो भी पीसेस हम उसको देंगे वो उसको इकट्ठा करेगा और जोड़कर वो घर बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या किया कि उसने जो विभिन्न आकृतियाँ थीं, जो टुकड़े थे, उनको एक तरीके से संश्लेषित किया है, और संश्लेषित करने के बाद में एक नियम बनाने की उसने कोशिश की है। यानी कि यहाँ पर हम इससे समझ सकते हैं कि बच्चा जो अभिसारी चिंतन कर रहा है, जिसको कि हम कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से आते हैं, जानते हैं इंग्लिश में, तो उसमें बच्चे के पास में कई सारे विकल्प हैं, कई सारे उसके पास जो है वो दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, उन सब का इस्तेमाल करने के बाद में बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, बालक कि एक निष्कर्ष पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। जब वो निष्कर्ष पर पहुँच जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो है अभिसारी चिंतन का विकास हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये सारी जो क्रियाएं हैं वो हम इनको कक्षा कक्ष में ही जो है बालक के अंदर विकसित कर सकते हैं, बल्कि इसके अंदर अगर हम उनके अभिभावकों को भी जोड़ना चाहें तो जो अभिभावक हैं वो भी एक विशेष भूमिका निभा सकते हैं बालकों के अंदर, जो हमारी विद्यार्थी हैं उनके अंदर अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को विकसित करने के लिए। जो बच्चा, जो बालक अपना जो चयन आगे करना चाहता है विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाने के लिए, या जो है वो एक वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो ऐसे बच्चों के अंदर जो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है और जो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, यानी हम लोग बात कर रहे हैं अभिसारी और अपसारी चिंतन की, तो ऐसे चिंतन पर आधारित कुछ क्रियाएँ हमें कक्षा कक्ष के अंतर्गत भी करानी चाहिए और कक्षा कक्ष के बाहर भी, और ऐसी क्रियाओं का संचालन जो है हम घर के वातावरण में भी अभिभावकों के साथ मिलकर करा सकते हैं। और इसके लिए शिक्षक को एक विशेष भूमिका निभानी होगी,
कि उसे ध्यान रखना होगा कि आज जब उसने अपनी कक्षा ली तो क्या जो उसके जो प्रश्न थे वो सिर्फ जो है वो सामान्य प्रकार के प्रश्न थे या ऐसे प्रश्न थे जो कि जो एक मानसिक झंझावत उत्पन्न करने वाले थे और जिसको और उसने ऐसे पक्ष को आज कक्षा में रखा जिससे कि सभी बच्चों ने उसके बारे में अलग तरीके से सोचा। वो अपनी जो शिक्षक है वो अपनी एक्टिविटीज़ को और कई तरीके से कैटेगराइज कर सकता है, अलग अलग पक्षों में बांट सकता है कि उसे जो भी अपना पाठ पढ़ाना है, जो प्रकरण अपना पूरा करना है, मुख्यतः विज्ञान के अंतर्गत, कि उसमें उसको उसका सैद्धांतिक पक्ष भी लेना है और उसका उसको जो है उसका प्रयोगात्मक पक्ष भी लेना है। तो जो सैद्धांतिक पक्ष था उसको कराने के लिए उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्कैम्पर, किसकी सहायता लेनी है वो इस बारे में पहले से निश्चित करें। और दूसरा जो उसका प्रयोगात्मक पक्ष है, जो उसका व्यवहारिक पक्ष है, वो बच्चे के अंदर उजागर करने के लिए वो कौन कौन सी क्रियाएं जो है वो कक्षा के अंदर कराएगा और किन क्रियाओं को वो जो है वो गृहकार के रूप में विद्यार्थियों को देगा। और अगर एक शिक्षक अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में सही से जानता है या उसका प्रत्यय उसके दिमाग में स्पष्ट है तो वो बहुत आसानी से विज्ञान के विषयों में अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन को बढ़ावा दे सकता है और उनको बच्चों को अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के विकास में एक विशेष भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो अभिसारी चिंतन है, जो अपसारी चिंतन है, उसको विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से कक्षा कक्ष के अंदर और कक्षा कक्ष के बाहर भी विद्यार्थियों के अंदर विकसित किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आप सभी को आज अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के विकास से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी हुई होगी और कैसे आप अपने बालक के अंदर और विद्यार्थियों के अंदर अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन का विकास कर सकते हैं। ये चर्चा आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद।